सारे मोहल्ले में भी। देखिए शफीकुर्रहमान बाग साहब सिर्फ संभल की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हस्ती है। सियासत में उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करे। उन जैसा ईमानदार, निडर और अपनी बात साफ गोई से रखने वाला नेता आज के दौर में बहुत कम है। हम उनकी मगफिरत की दुआ करते हैं और घर वालों को सबर की दुआ करते हैं। देखिए शफीकुर्रहमान बाग साहब अपने आप में एक युग थे और मैं समझता हूं देश की राजनीति में उन जैसे लोग शायद मिलेंगे नहीं। 94 साल की उम्र में भी लगातार सक्रिय रहना लोगों के मुद्दों के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, ये उस जमाने के लोगों में ही ये बात आ सकती है। अक्सर वो कहते थे कि सदी नेताजी के साथ मिलकर उन्होंने पार्टी को यहां तक सींचने का काम किया। मैं सोचता हूँ नेताजी के युग के कुछ एक लोग थे या उन लोगों में सबसे ऊपर अगर कोई था तो आदरणीय बाग साहब थे। ये न केवल समाजवादी पार्टी के लिहाज से, न केवल संबल क्षेत्र के लिहाज से, बल्कि पूरे देश के लिए मैं कहूंगा एक ऐसी शख्सियत जो शख्सियत हम नौजवानों के लिए प्रेरणा थी। मैं खुद कई बार नौजवानों से कहता था कि नौजवानों बाग साहब से चल के सीखना चाहिए हमें आपको कि आखिर उनकी दिनचर्या क्या है, उनका खान पान क्या है, उनका रहन सहन क्या है, कि इस उम्र में भी और उतना ही चाहे वो जो जवानी के दिनों में सक्रिय रहे हों, बेबाक रहे हों, उत्साह से लबालब रहे हों, आज की इस 94 साल की उम्र में भी बाग साहब जैसा दूसरा कोई उदाहरण देश में मौजूद नहीं था। और उनका जाना न केवल हमारी पार्टी, हमारे क्षेत्र संभल या बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए एक ऐसे युग का अंत है जो शायद दूसरा कभी हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा।